तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल और देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और मौसम भी आज ख़राब हो रखा है, मतलब बारिश आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, मतलब कुछ बोल नहीं सकते मौसम का, क्योंकि पहाड़ों का मौसम है। अचानक कभी धूप भी आ सकती है और कभी भी बारिश आ सकती है। तो अभी मैं हूँ पोखड़ा ब्लॉक में, यह है पोखड़ा ब्लॉक और इधर है इंटर कॉलेज और नीचे है डिग्री कॉलेज और यहाँ पे है ब्लॉक जो टूट रहा है अभी। तो अभी मैं हूँ बीना के सामने और ये है पोखड़ा की बिल्डिंग, पोस्ट ऑफिस पोखड़ा का। नीचे गाड़ा बीना और ये वाला गांव है धारा बीना। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं फिर। तो ये हमारे विधायक सतपाल महाराज का घर है और इसके नीचे है धेड़ गांव। तो ये पूरा बीना है, काड़ा बीना, धारा बीना और पोखड़ा मेल गांव। तो यहाँ पे है सेड़े गांव और इधर है कंडुली और सामने ही है धड़ गांव। तो अभी मैं हूँ सेड़े खाल के ठीक ऊपर और आप देख सकते हो यहाँ पे सेड़ा धार गांव और ये जाती हुई रोड पटेल गांव के लिए, पटेल गांव उबटला खोली घुरा घुरा। ये बहुत बड़ा जुदा, ये तो कम से कम 7-8 फीट होगा, काफी लंबा है। गुटू गुतरे बच के रह, ये ना ये पैदा हो सब राम से, ये जो ना बहुत कवाड़ तो सब पैदा दो, हम अंगुल नुसान ना हम कम ना गुजा लो पर कला फोटो वालो। हां कला फोटो वालो कम से कम 7-8 फीट होगा। हां इससे कम का नहीं होगा। तो अभी मैं हूँ कमेडी के ऊपर और यहाँ पे है पब्लिक स्कूल, भोले महाराज की स्कूल है यहाँ पे और यहाँ पे है कमेडी गांव। ये कमेडी गांव और ठीक उसके बगल में है लखोली और इधर है सड़क हाल। यहाँ से दिख रहा है सारा लिया खाल और ये जितने भी घर हैं ये सारे लिया खाल में हैं। और ये रही लिया खाल की स्कूल और यहाँ पे जो हल्के हल्के आपको घर दिख रहे हैं ये हैं सिलेत के और मुझे जाना है अभी उस साइड। और यहाँ पे है लुइठा गांव। तो अभी मैं हूँ लुइठा गांव में और सामने है लुइठा गांव और यहाँ पे उनके खेत ऊपर भी है, पूरा गांव फैल रखा है, काफ़ी अच्छा गांव है ये भी। तो दोस्तों ये है सिरकोट गांव, ये जो आपको दिख रहा है ये है सिरकोट और इसके थोड़ा इधर 1 किलोमीटर के आगे है चरगाड़। तो ये है चरगाड़ गांव और इस साइड को है चोपड़ा गांव। तो आप देख सकते हो ये कहाँ और इसके ऊपर जो ये आपको छोटा सा गांव दिख रहा है ये है झलपाड़ी, शायद से झलपाड़ी है वो। तो आप यहाँ से देखिए नज़ारा और ये वाली नदी है हमारी मसलाड़ की नदी और मुझे जाना है अभी ठीक इस वाले पहाड़ पे और ये सामने है चमनास होंडल गांव। तो चलिए यात्रा को शुरू करते हैं फिर। तो मैं पहुँच चुका हूँ गवाणी में,
और आपको जो आगे दिख रहा है ये है गवाणी मार्केट और ऊपर है गवाणी गांव और उसके इधर है शिशु मंदिर है बीच में और इधर है किमगढ़ी गांव जो कि बहुत बड़ा गांव है। आप देख सकते हो यहां से और यहां तक फैला हुआ है और इसके ऊपर है और ये वाला गांव है दांथा और मालकोट। दांथा ये है और मालकोट ये है और जो आपको ऊपर गांव दिख रहा है वो है अनपुर और यहाँ से आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं। और जो ये लास्ट वाला पहाड़ दिख रहा है शायद से इधर को दीवा माता का मंदिर है और ये वाली रोड है द्विला की। तो ये है गवाणी गांव और गवाणी बाजार और इसके सामने है यहाँ पे छोटा सा गांव है इसका नाम लदगा है शायद से, बाकी मुझे तो इतना पता है नहीं। तो ये है गवाणी मार्केट और इसके ऊपर गांव है गवाणी गांव और इधर आके उस साइड को जो गांव दिख रहा है वो है किमगढ़ी घाट किमगढ़ी गांव। तो आप नज़ारे का लुत्फ उठाइए। तो दोस्तों यहाँ पे है किलवास गांव, ये है किलवास गांव और इधर है डबरा और यह है नौलू। देख सकते हो डबरा नौलू और किलवास और उस साइड को है चमना सोंडल और जो आपको ये बात दिख रहा है यह है चौबट्टा खाल मार्केट। तो मैं आ रहा हूँ वहाँ से और आप अभी देख सकते हो इधर का मौसम बड़ा मस्त हो रखा है, एकदम बादल बिल्कुल पहाड़ को छू रहे हैं और ये वाला इलाका है किमगढ़ी गाड गवाणी चरगाड सिलेत सेड़ाखाल। तो ये है चमनाव सोंडल, ये वाला चमनाव है उसके उधर सोंडल गांव है और इधर चौपट्टा खाल की रोड है ऊपर और यहाँ से भी देखिए आप मौसम। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर पे और अभी यहाँ पे बहुत तेज धूप लगी हुई है, इधर बादल नहीं है ऊपर आसमान में और किमगढ़ी साइड गवाणी साइड बादल लगे हुए थे। तो चलिए पहले घर पे जाके खाना खाते हैं फिर, और ये भूख रहे। तो इधर तो बहुत तेज धूप लगी हुई है, आप देख सकते हो आसमान यहाँ पे खाली है और उस साइड को बहुत तेज बारिश आ सकती है जैसे कि उधर बादल लगे हुए हैं। तो उधर बारिश पड़ती है किमगढ़ी साइड लेकिन इस साइड को बहुत कम बारिश पड़ती है और अभी यहाँ पे बहुत तेज धूप लगी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे कोदा की कटाई चल रही है, अभी लवाई बोलते हैं इसे। तो कोदा जिसे हम वैसी भाषा में से मंडवा बोलते हैं, मंडवे की रोटी इसी से बनती है। तो आजकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुअर आ रहे हैं तो उन्होंने हमारे खेत में तो पूरा उधर मेरी मम्मी यहाँ पे काट रही है तो हमारे खेत में तो सुअरों ने पूरा बर्बाद कर दिया है। लेकिन इस साइड को भी है जहाँ पे दादी कर रही है, तो ये मेरी छोटी वाली दादी है और इसके बीच में है झंगोरा, वो भी पक चुका है। तो आजकल गांव में यही काम हो रहा है, लवाई उसके बाद मंडाई होगी इसकी। तो यहाँ पे देखिए आप, ये सुअर ने पूरी फसल हमारी बर्बाद कर दी है और मेरी मम्मी सुअर को गाली दे रही है। यहाँ पे देखिए आप, पूरा खेत बर्बाद कर दिया उन्होंने। और आजकल ढूंगा में सप्ताह चल रहा है तो आसपास के लोग जा सकते हैं सप्ताह सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए। और ये जहाँ से मैं आया था पोखड़ा साइड, आप उधर देखिए उधर बहुत तेज बारिश यहाँ पे आ चुकी है उधर बारिश। तो अभी आप देखिए ये तलाई वाला क्षेत्र है, तो तलाई वाले क्षेत्र में बहुत तेज बारिश लगी हुई है और मैं आ रहा हूँ पोखड़ा से। तो पोखड़ा जो ये आपको ये वाला गांव दिख रहा है इसके सामने है पोखड़ा, तो उस साइड को बहुत तेज बारिश लगी हुई है और उधर बारिश होती रहती है, हमारे साइड बहुत कम बारिश होती है। चल चलते हैं कुंडिल के लिए और हमारे इधर भी आ गए हैं बादल, लगता है इधर भी बारिश होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इधर धूप आई है और उस साइड को बहुत तेज बारिश हो रही है। तो वहाँ पे हल्का सा
इंद्रधनुष आ रखा है, तो वहां पे दो इंद्रधनुष है, एक ये है और एक यहाँ पे है, हल्का सा दिख रहा है, ये कैमरे में नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये वाला साफ दिख रहा है। और बारिश यहाँ तक लगी है और इधर धूप आ रखी है और हमारे साइड को बारिश नहीं आ रही है। तो आप देख सकते हो पहाड़ों में ऐसे भी होता है, उस साइड को बारिश हो रही है और इस साइड को धूप आ रखी है। तो कुंडल में हैंडपंप लग रहा था लेकिन यहाँ पे पानी नहीं निकला। यार देखिए आप, बहुत तेज बारिश लगी हुई है एकेश्वर साइड और ये है माल्ट बड़ा। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।